राज्य सरकार द्वारा राजधानी भोपाल में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम 23 से 25 जुलाई तक चलेगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के कोने कोने तक विकास पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत भोपाल में 23 से 25 जुलाई तक आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, अब से अपनी जमीन कोई मत बेचना, क्योंकि आने वाले समय में खेती की कीमत बढ़ेगी। खेती के मामले में मध्य प्रदेश हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समृद्ध पंचायत और समृद्ध मध्य प्रदेश इस सूत्र वाक्य को लेकर के 3 दिवसीय कार्यशाला मध्य प्रदेश स्तर की यशस्वी ग्रामीण पंचायत मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में ये हो रही है, जिसके कारण से हमारे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच स्तर के सभी गणमान्य महानुभावों को बुला करके उनके विभाग के माध्यम से पंचायत के अंदर विकास के होने वाले अलग अलग आयामों के लिए अलग अलग सत्र आयोजित करते हुए सरकार के साथ सरकार की मूल भावना है कि प्रत्येक पंचायत यशस्वी प्रधानमंत्री की सपनों के अनुसार समृद्ध बने और न केवल समृद्ध बने बल्कि आदर्श रूप भी ग्रहण करे। मेरी अपनी ओर से मैंने इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना भी दी है और हमने जो अलग अलग प्रकार से गाँव की हालत बदलने के लिए जो काम किए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। खास करके कृषि को बढ़ावा देने के लिए जल योजनाओं के सिंचाई योजनाओं का बढ़ावा देना चाहिए, पशुपालन को बढ़ावा देना है, गाँव के अंदर के विकास का एक अच्छा प्लान बने, उस प्लान के आधार पर काम करे, जो जनता के बीच इस प्रकार के अनावश्यक खर्चे के जो कार्यक्रम बनते हैं जिनको हतोत्साहित करते हुए विकास परक कामों में उनकी ध्यान जाए, मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।